पुरानी बात है, तीन पड़ोसी राज्य थे, मालवा, पुष्पुरी और पांचाल। तीनों के पास अपार धन संपत्ति थी। जंग कबीले के लुटेरों से अपनी धन संपत्ति बचाने के लिए तीनों राज्यों के राजाओं ने मिलकर अपना सारा खजाना एक गुप्त तहखाने में रखकर बाहर तीन देवताओं की मूर्तियां स्थापित की और खजाने का भेद तीन हारों पर लिखकर एक एक हार तीनों ने बांट लिए। इन हारों का भेद तीन ताम्र पत्रों पर लिखकर तीन पेटियों में बंद करके पेटियां अपने अपने राज में छिपा दी। इन पेटियों का भेद भोजपत्रों पर लिखकर राजमहलों पर रख दिया ताकि आने वाली नस्लें उन्हें पढ़कर आपस में मिलकर अपना अपना खजाना हासिल कर सके। 200 साल गुजर गए। एक दिन जबकि मालवा के महाराज धर्मपाल सिंह अपनी कुल देवी भवानी माता की पूजा कर रहे थे, राम सिंह राजपंडित को एक भोजपत्र मिला है जिसमें खजाने के बारे में कुछ गुप्त बातें लिखी हैं। अच्छा महारानी, हम अभी आते हैं, आओ। पंडित जी, क्या लिखा है भोजपत्र में खजाने के बारे में? इतने अधीर क्यों रहे हैं महामंत्री जी, महाराज को तो आने दीजिए। हाँ हाँ राजपंडित, बताइए ना क्या लिखा है। इसमें एक ताम्र पत्र का जिक्र है महाराज, उस ताम्र पत्र में खजाने का भेद लिखा है। ये ताम्र पत्र कहाँ है? उसे एक पेटी में बंद करके पुराने किले के सबसे ऊंचे खंभे के नीचे गाड़ दिया गया है। लेकिन पुराना किला तो खंडर बन चुका है, सबसे ऊंचा खंभा कौन सा है वो तो दूर की बात है, खंभे कहाँ कहाँ थे ये मालूम करना ही बड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है राम सिंह, महामंत्री जी
आप खंडर की खुदाई का काम एक तरफ से शुरू करा दीजिए। ये खजाना हमें मिल जाए तो मालवा की जनता के सारे दुख दूर हो जाएंगे। समझ में नहीं आता, महाराज के पूर्वजों ने सारा खजाना इतने गुप्त रूप से जमीन में क्यों गाड़ दिया था? भोजपत्रों में इसके कारण का भी वर्णन है राम सिंह जी, जंग कबीले के लुटेरों से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उनका खतरा तो अब भी मौजूद है राज पंडित, सुना है उनका सरदार शमशेर जंग काफी ताकतवर है। कितना भी ताकतवर हो महाराज, जब तक कि आपके इस पुराने सेवक की जान में जान है, शमशेर जंग और जंग लुटेरे हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। शाबाश मानते, आज तुम वो खबर लाए हो जिसका हमें बरसों से इंतजार था। अब हमें देर नहीं करना चाहिए शमशेर जंग, मैंने मालवा के बहुत से सेना नायकों को अपने साथ मिला लिया है। इससे पहले यह ताम्रपत्र की पेटी धर्मपाल सिंह के हाथ लगे, आप मालवा पर हमला कर दीजिए। धर्मपाल सिंह, उसकी रानी और दोनों राजकुमार जय विजय मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। उसके बाद खजाने के मालिक आप होंगे और हम मालवा के महाराज। नहीं नहीं, महाराज हम बनेंगे। दिलेर बेटे, बीच में नहीं बोला करते। अच्छा नहीं बोलते, जाओ। सुमेर जंग, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं मान सिंह से सहमत हूँ सरदार। तो फिर ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हमारी फौजें मालवा पर हमला कर देंगी। दोनों राजकुमारों की जिंदगी को खतरा है, उन्हें फौरन बाहर भेजना चाहिए। यह सोचने का समय नहीं है महाराज, गद्दार मान सिंह के साथियों ने राजमहल का मुख द्वार खोल दिया है। नंदिनी, तुम जय को संभालो। महाराज शंभु, तुम विजय, दोनों राजकुमारों को लेकर खुफिया दरवाजे से फौरन निकल जाओ। जो आप गया, दोनों अलग अलग जाना, वरना पति पत्नी को साथ देखकर दुश्मन राजकुमार को पहचान लेगा और इनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। राम सिंह, हमने महाराज का नमक खाया है। हम अपनी जान दे देंगे मगर राजकुमारों पर आंच नहीं आने देंगे महाराज। माँ भवानी सबकी रक्षा करेगी, जाओ तुम लोग। मुझे मेरे बच्चों से जुदा मत करो, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। जाए, जाए, मेरे बच्चे। नंदिनी, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, जाओ तुम लोग। शंभु, विजय को एक बार तो कलेजे से लगा लेने दो। बेटा, मेरा बच्चा। महेंद्र, आप पीछे। नहीं महाराज, नहीं, मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो गए, मुझसे अलग होना चाहते हैं। महारानी, महाराज आप भी हमारे साथ चलिए। महाराज आप भी हमारे साथ। लड़ना हमारा धर्म है महारानी। महारानी यहाँ बहुत खतरा है, भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो मालवा का भविष्य दोनों राजकुमार अनाथ हो जाए। अब जल्दी जाइए, जल्दी कीजिए, शांति ले जाओ। नमक राम मान सिंह, रानी और बच्चे कहाँ है? तू क्या समझता है मैं तुझे बता दूंगा? धर्मपाल, तेरे दिन अब खत्म हो चुके हैं। इस मुर्दे को ऐसी जगह पर ले जाकर फेंको जहां चील कौवे इसकी बोटी बोटी नोच कर खा जाए। नहीं, नहीं,
हो? ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। अरे देखो वो गरीब औरत को कौन लोग छुड़ा रहे हैं? ये मेरा बच्चा है, दे दो, दे दो, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई, लाख लाख धन्यवाद। आप कौन हैं? डाकू भवानी सिंह। डरो मत बहन, हम डाकू जरूर हैं, लेकिन बिना कारण किसी को नहीं सताते। तुम अपना पता बताओ, मेरे आदमी तुम्हें वहां तक छोड़कर आएंगे। घर बार अब कुछ नहीं रहा, इन जंग लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया, इसीलिए मैं अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी। तुम चाहो तो हमारे साथ चलकर रह सकती हो बहन, हमारी देखरेख में तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। भाई साहब, वो यहीं कहीं छुपा होगा, देखो। बच्चा किधर है? बच्चा वाला वो भाग रहा है, वो जा रहा है। चलाओ, चलाओ। अरे मत रो बेटा, किसका बच्चा है ये? कोई है? चंदेली, ये लो बच्चा। किसका बच्चा है? कहाँ से लिया इसे? रास्ते पे अकेला खड़ा रो रहा था, मैं उठा लाया। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। ऐसा लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। बस यूँ समझ लो जैसे हमारी तकदीर ही बदल गई। मालवा क्या हाथ आया, साथ ही साथ ये बना बनाया महल और ये नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा बच्चा। मत रो बेटे, मत रो। मत रो बेटा, मत रो। अरे 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 अरे, अरे रो मत बेटे, मत रो, मैं तेरी माँ हूँ। और हम तेरे पिता हैं। हाँ महाराज, हम कहा है? क्या हुआ राम सिंह? महाराज हमें अफसोस है, हम मालवा नहीं बचा सकते। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज हम ऐसा नहीं होने देंगे। महाराज आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं, धीरज रखिए। मैं भेष बदल कर किसी ना किसी तरह राजमहल पहुंचाऊंगा और वहां की हर खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। धर्मपाल सिंह गया, उसकी रानी और दो बच्चे अगर बच भी गए तो उनकी क्या कीमत है शमशेर जंग? मालवा का राज जीतने में जो आपने हमारी मदद की है उसके लिए शुक्रिया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा राज तिलक होने तक आप हमारे पास यही रहिए। और उसके बाद तुम हमें कहां भेजना चाहते हो? आप शायद भूल गए, फैसला यह हुआ था कि मालवा हमारा और खजाना आपका। लेकिन खजाना अभी मिला कहां? खजाना मिलते ही हम आपको भिजवा देंगे। और अगर ना भिजवाया तो फिर एक काम कीजिए, आप हमारे महामंत्री बनकर यहां रहिए और अपनी देखरेख में पुराने किले की खुदाई करा के ताम्रपत्र की पेटी का पता लगाइए और फिर उसकी मदद से खजाना हासिल कीजिए। हमारे ख्याल में जब तक खजाना नहीं मिलता महाराज हमें बनना चाहिए और महामंत्री तुम्हें। जैसे मालवा विजय करके हमने तुम्हें दिया वैसे ही खजाना हासिल करके तुम हमें दो, हम खजाना लेकर चले जाएंगे और फिर महाराज बनकर राज तुम कर। नहीं नहीं, महाराज मैं बनूंगा। दिलेर
बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अच्छा नहीं बोलते, जाओ। क्या ख्याल है? अब हमारे ख्याल की क्या कीमत है? काफी समझदार हो मान सिंह, अपना अच्छा बुरा खूब समझते हो। शाबाश, वाह वाह, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे शेर। आज से हमने तेरा नाम शेर रखा, शेर सिंह। तो फिर आप हमें अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते? जाइए, हम आपसे नहीं बोलते, जाइए। सुन लिया बहन, तुम्हारा बेटा हमारे साथ चलकर हमारे जैसा बनना चाहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर वहाँ तुम्हें कोई पकड़ कर जंजीरों में जकड़ दे तो तुम क्या करोगे? आपको कोई पकड़ ले तो आप क्या करेंगे? देखना चाहते हो? दिखाता हूँ। बहादुर सिंह, जंजीरें ला और हमें जकड़ दो। अब देखो, बाबा हमें भी सिखाओ ना, हम भी लोहे की जंजीरें तोड़ेंगे। जरूर जरूर। अरे तुम तो हमारे बाद हमारे ग्रह के होने वाले सरदार हो, तुम्हें नहीं सिखाएंगे तो फिर किसे सिखाएंगे? तो फिर सिखाओ ना बाबा, अभी सिखाओ। सिखाता हूँ। तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जा अंदर जाकर काम कर। जी। बाबा, तू अभी तक यही खड़ा है? जा अंदर। प्रताप बेटे, तलवारबाजी बंद करो और नाश्ता कर लो। नहीं माँ, जब तक हमारे वार से पिताजी की तलवार जमीन पर नहीं गिर जाती हम नाश्ता नहीं करेंगे। यह बात है, शाबाश मेरे बेटे। ओफो, आप भी क्या सुबह सुबह तलवार लेकर शुरू हो जाते हैं। हमें अपने बेटे को बहादुर बनाना है। जंग कबीले की शान, जो बड़ा होकर हमारा और जंग कबीले का नाम रोशन करे। पिताजी, हम महाराज कब बनेंगे? अरे बेटा, हमारे मरने के बाद। अच्छा पिताजी, आप कब मरेंगे? बदतमीज, तुम हमारी मौत का इंतजार कर रहे हो? चलो जाओ। हमें महाराज बनना है, खजाना हासिल करना है। खजाना, 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 खजाना। इतने साल गुजर गए, पिताजी स्वर्ग सिधार गए, हम मालवा के महाराज बन गए। अब तक खजाने का कुछ पता नहीं चला। महामंत्री जी। महाराज, पुराने किले की खुदाई का काम बड़े जोरों से चल रहा है। ताम्र पत्र की पेटी मिलते ही खजाना मिलने में देर नहीं लगेगी। पेटी है, मिल गई, पेटी मिल गई, पेटी मिल गई। संभाल के, टूटने न पाए। अगर उस बदमाश को भागने न पाए। नहीं, नहीं, इसमें खजाने का भेद छुपा है। ये खजाना तुम जन कबीले के लुटेरों का नहीं, मालवा की जनता का है, महाराज धर्मपाल सिंह का है। मैं ये उन्हीं को जाकर दूंगा, उन्हीं को जाकर दूंगा। लाजवाब, शानदार। पिताजी, जिस खजाने को हासिल करने के लिए आपने मालवा पर हमला किया, यहाँ के महाराज धर्मपाल सिंह को भगाकर यहाँ के महाराज बने, वो खजाना आपके नहीं, आपके बेटे की तकदीर में था। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और आपके बेटे को खजाना। तो क्या आप जिंदगी भर महामंत्री बने रहेंगे? देखते जाओ, 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। ये चोट तब होगी जब खजाना मिलेगा। फिर आप बन जाएंगे मालवा के महाराज
और ये रणधीर बन जाएगा आपका महामंत्री। आइए महामंत्री जी आइए। ये सारी पंडित मंडली कहती है कि इसे केवल पूर्णमासी के दिन ही खोलना चाहिए। आदेश तो यही है महाराज, और इसका पालन भी करना चाहिए। जहां 20 बरस इंतजार किया है, कुछ दिन और सही। महामंत्री की बात आखिरी बात, क्यों बलदेव जंग? जी महाराज। तुम्हें याद है बलदेव जंग, महामंत्री जी कहा करते थे कि धर्मपाल सिंह और उनका परिवार मरखब के कब का खत्म हो चुका है? जी महाराज। हमने तब भी समझा था कि महामंत्री की बात आखिरी बात। जी महाराज। तो फिर पेटी छीनकर भागने वाला वो गद्दार कैसे कह रहा था कि वो पेटी ले जाकर धर्मपाल सिंह को देगा? इसका मतलब धर्मपाल सिंह जिंदा है। उफ, हम कब से इंतजार कर रहे थे। राम सिंह, क्या खबर लाए हो? महाराज, दिलेर जंग को ताम्र पत्र की पेटी मिल गई है। क्या उन्हें खजाने का भेद मालूम हो गया? नहीं महाराज, उस पेटी पर आदेश लिखा है उसे पूर्णमासी को ही खुलना चाहिए। पूर्णमासी में अभी काफी रोज बाकी हैं, तब तक वो पेटी हमारे पास पहुंचानी चाहिए। जनता की अमानत जनता को मिलनी चाहिए, लुटेरों को नहीं। नाथूराम। जी महाराज। ये काम तुम्हारे जिम्मे है। आप बेफिक्र रहिए महाराज, मैं अपनी जान पर खेलकर पेटी लेकर ही आऊंगा। बड़े भैया, क्या हुआ, क्या बात है बड़े भैया? सरदार गंगापुर के वासी यात्रा पर जा रहे थे कि रास्ते में डाकू शेरसेन ने लूट लिया। आधे से ज्यादा घायल हो चुके हैं, अब ना तो ये यात्रा पे जा सकते हैं और नहीं वापस। बड़े भैया, इनकी मलम पट्टी और खाने पीने का इंतजाम करो। तुम लोग चिंता मत करो, शेर सिंह से उसके हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। सरदार शेर सिंह। आज हमारे सरदार की 5वीं बरसी के दिन मैं तुम सबको विश्वास दिलाता हूँ कि सरदार के दिखाए हुए रास्ते पर हमेशा चलूंगा, तुम्हारे सुख दुख को अपना सुख दुख समझूंगा। हाय रे है सर मज्जा। सरदार शेर सिंह। सरदार शेर सिंह। सरदार शेर सिंह। माँ, क्या हुआ? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता बेटा। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर लूट मार करते हो, डाके डालते हो, कदम कदम पर तुम्हारी जान को खतरा है। अरे माँ, दुनिया में वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जो तुम्हारे बेटे की जिंदगी खतरे में डाल सके। सरदार भवानी सिंह जी मुझे वो विद्या सिखा गए हैं जिससे मैं अपनी अंतर शक्ति को जगाकर लोहे की जंजीरों को घास के तिनकों की तरह तोड़ सकता। लेकिन बेटा। ओफ माँ, जो जिम्मेदारी सरदार भवानी सिंह जी मुझे सौंप गए हैं, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। डाके डालकर अपने गिरोह का पालन करना मेरा धर्म है। धर्म तो जैसे दुनिया से उठ गया है छोटे मालिक। खजाने के असली मालिक है महाराज धर्मपाल सिंह और मालवा की जनता, मगर हड़प करना चाहता है ये दिलेर जंग। आखिर है तो डाकू की औलाद ना। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी, चलो निकले यहां से। नहीं छोटे मालिक, नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, चलो निकले यहां से। छोटे मालिक, आप सोचे सही मैं कहां जाऊंगा? कहीं भी जाओ, झरने में जाओ। लेकिन छोटे मालिक, आप चलो निकलो, बहुत बकवास करने लगा। गुरु 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 गुरु, जाने दो, ये उल्टा सीधा बोलता जरूर है, वैसे तुम पर जान देता है जान। नहीं दबक, तुझे कुछ नहीं मालूम, ये जिनका खाता है उन्हीं की बड़ाई करता है। चलो निकलो, निकलो। गुरु गुरु, एक बार और माफ कर दो, एक बार। देख, आइंदा कभी ऐसा नहीं करना। चलो चलो चलो। बेटे प्रताप, जीते रहो। मैं दरबार जा रहा हूं मां। बेटे, आज अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम्हें इस छोटी सी उम्र में सेनापति के पद पर देखकर कितना खुश होते। मौसी, आजकल महाराज ने महामंत्री मानसिंह से भी ज्यादा मानते हैं। हाँ मां, महाराज ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा है। क्या? पुराने महाराज धर्मपाल सिंह और उसके परिवार को गिरफ्तार करना है, ताकि अपने महाराज दिलेर जंग और उनका खानदान बेफिक्र होकर हमेशा के लिए मालवा पर हुकूमत कर सके।
प्रताप जंग, कुछ पता चला धर्मपाल सिंह का? नहीं महाराज, लेकिन तलाश जारी है। तलाश जल्दी करो, हमें इंतजार की आदत नहीं। लेकिन महाराज, आज का जनता पर शेर सिंह के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, पहले उसे गिरफ्तार करना चाहिए। उससे हमारा क्या फायदा, हमारा दुश्मन धर्मपाल सिंह है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये धर्मपाल सिंह का जासूस मालूम होता है। बता कहाँ है धर्मपाल? मैं बताऊंगा। जानता है हम कौन है? अच्छी तरह जानता हूँ, तुम खूनी हो, लुटेरे हो, कमीने। माता भवानी, माता भवानी, सकल जग की रानी, बने देश अपना, बहारों का सपना, वो सुख भरी सबकी जीवन कहानी, माता संकट हारी नहीं। मां 20 बरस बीत गए लेकिन तुम्हारी कृपा दृष्टि मुझ पर नहीं हुई। मुझे राजपाट धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा सुहाग, मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मां जी, कल लक्ष्मी बिटिया की शादी है पर्वत पार के दुर्गा मंदिर में। अच्छा, याद है माँ जी, जिस दिन गांव वालों ने आपको नदी से बाहर निकाला था उसी दिन लक्ष्मी बिटिया का जन्म हुआ था, मुझे मालूम है। लक्ष्मी की इच्छा है आप भी हमारे साथ मंदिर चलें आशीर्वाद देने के लिए। तो इसमें कहने की क्या बात है, बेटी की शादी हो और माँ ना आए, ये कैसे हो सकता है। मैं जरूर आऊंगी। गुरु गुरु गुरु, बड़ा अच्छा मौका है। क्या? बारात जा रही है। हाँ, पर्वत पार दुर्गा मंदिर की तरफ, कम से कम दान दहेज का माल तो होगा ही। साथियों जल्दी तैयार हो जाओ। बेटी की शादी के गहने हैं, अगर उसकी शादी टूट गई तो हम कहीं मुंह भी नहीं दिखा सकेंगे, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। डाकू सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। हटो, ठहरो। कौन हो तुम? मां। मां? हां, जिसने इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। तो मैं क्या करूं? मेरी तरफ देखो बेटे, और उस मां को याद करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। हर मां राम को जन्म देती है बेटे, और जब वो बड़ा हो जाए तो उसे राम के रूप में ही देखना चाहती है, रावण के रूप में नहीं। तुम ये जो हत्याएं करते हो, सुहागनों के सुहाग लूटते हो, बच्चों को अनाथ बनाते हो, उससे तुम्हारी मां का सर गर्व से ऊंचा नहीं होगा बेटे, शर्म से झुक जाएगा। इस बेचारी ने अपने भविष्य के बारे में जाने क्या क्या सपने देखे होंगे, तुमने अपने एक ही वार से इसके सारे सपने तोड़ दिए। अब न ये कुंवारी रही न सुहाग, इसकी मांग भरने से पहले ही सदा के लिए सूनी हो गई। साथियों
सारा माल वापस लौटा दो। मां, मां मुझे माफ कर दो। मां तुमने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की मगर मैं नहीं देख सका। आज मेरी आंखें खुली हैं, आज मुझे भले बुरे का भेद मालूम है। आज से मैं सिर्फ अमीरों को लूटूंगा और गरीबों में बांटूंगा। अब तक जो लूटा है वो भी मालवा की गरीब जनता को सब दे दूंगा। सच बेटा? मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आज से तुम्हारा बेटा जब तक जिएगा गरीब का दोस्त बनकर जिएगा। ये माल ले जाओ और गरीबों की सारी जरूरतें पूरी कर दो। हम पुष्पुरी जा रहे हैं, अगर कोई खास खबर हो तो वहां की धर्मशाला में पहुंचा देना। गुरु ये पुष्पुरी का क्या चक्कर है? वो मेनका नर्तकी है ना। मेनका नर्तकी कमाल की चीज है गुरु। कमाल दिखाकर कंगाल बनाती है, सैकड़ों घर बर्बाद कर चुकी है, आज हम उसे कमाल दिखाएंगे। इसका मतलब है आज की रात रंगीन, मेनका का मुजरा।
महाराज, ये बतख सोने के अंडे देती है। नादान, ये बतख नहीं हेमा रानी है, रोज सोने के अंडे देती है, दिन में चार बार और हर बार में चार। हाँ लो देखो, हे महारानी बड़ी सयानी, ऊपर हवा नीचे पानी, घुमा दिया जादू का डंडा, ला अब दे सोने का अंडा। हाँ, ये लो बिटिया, ये महारानी हमें मिल जाए तो सोने के अंडे ही अंडे। दिन में चार बार, हर बार में चार, यानी कि दिन में 16, महीने में 480, साल में। अरे बस बस बस, हमारा घर तो सोने से भर जाएगा, सारे पुष्प भी खरीद लेंगे। अरे खरीद क्या लेंगे, चल मैं चक्कर चलाती हूँ। महाराज महाराज, मेरी बेटी को ये हेमा रानी बहुत पसंद है, इसे हमें बख्श दीजिए महाराज। नहीं नहीं नहीं, कामरूप देश के महाराज अपना राजपाट धन दौलत सब कुछ दे रहे थे, हमने इनकार कर दिया। अवंतीपुर के महाराज अपनी राजकुमारी के साथ साथ 15 लाख मोरे दे रहे थे, वहाँ भी हमने इनकार कर दिया। हम गरीबों पर दया कीजिए महाराज, हम इतना तो नहीं पर जो कुछ भी है सब ले लीजिए। अरे खड़े मुंह क्या देख रही है, कच के पकड़ लेना पाओ, जब तक हाँ न कहे तब तक छोड़ना नहीं महाराज। महाराज क्या विचार है मंत्री जी, दया कर दीजिए महाराज, ये भी क्या याद करेंगी। अच्छी बात है, जो कुछ है जल्दी निकालो निकालो निकालो, महाराज पल भर में तकदीर पलट देते हैं। बहुत अच्छा, चल बेटे। महाराज सब ले आया, सब कहा ले आया, हार निकालो, तुम अंगूठी निकालो। हाँ निकालो निकालो, और ये नाक की नकेल भी, और ये सोने के अंडे भी। अंडे भी? हाँ ये लो, इसके बाद हेमा रानी जो अंडे देगी वो सब तुम्हारे। हमारे? हेमा रानी बड़ी सयानी, ऊपर हवा नीचे पानी, घुमा दिया जादू का डंडा, लाभ दे सोने का अंडा। माँ क्या हुआ? दे दिया दे दिया, लेकिन ये पीला नहीं सफेद है, चांदी का है क्या? हमारा सब कुछ लूट के ले गए बेटी। महारानी अंबिका देवी की जय, महारानी अंबिका देवी की जय, महारानी अंबिका देवी की जय। महारानी जी आज्ञा दें तो फरियादी पेश किए जाए। रंभा और उसकी बेटी मेनका, फरियाद क्या है? इसका मतलब है ये दोनों माँ बेटी बहुत लालची हैं, और वो ठग बहुत होशियार। हम दोनों माँ बेटी लूट गए, बर्बाद हो गए। क्या यही है वो बतख जिसने सोने का अंडा दिया था? जी हाँ महारानी जी, यही है वो मुई। जरा लाओ तो, लाइए। चिट्ठी? किसकी चिट्ठी है? गरीब के दोस्त की, जरा देखिए तो क्या लिखा है। हराम फोरो, तुम दोनों माँ बेटी आज तक दूसरों को कंगाल बनाती रही, तुम्हारा ये धन दौलत उन गरीबों के लिए है जिन्हें इसकी जरूरत है, और तुम्हारे लिए ये बतख जो रोज एक अंडा देती है, अंडे से बतख और बतख से अंडा। जिंदगी आराम से गुजर जाएगी गरीब का दोस्त। तुम दोनों जाओ, इस गरीब के दोस्त को गिरफ्तार करके तुम्हारा धन दौलत वापस दिलाया जाएगा। आज्ञा हो तो सेनापति को आदेश दिया जाए। नहीं महामंत्री जी, गरीब का दोस्त कोई मामूली चोर नहीं, बहुत चालाक मालूम होता है, इसे हम देख लेंगे।
पढ़ क्या लिखा है? ओम अंजनाय नमः। अरे ओम नमः को छोड़ो, खजाना कहाँ है वो बताओ। देवस्थान भुवनेश्वरी, कुबेर धन अपरंपार, आगे पढ़ो मालवाहार। मालवाहार? महामंत्री जी बताइए मालवाहार क्या है? महाराज मुझे अच्छी तरह से याद है, धर्मपाल की पत्नी के गले में सदियों पुराना खानदानी हार था जिसे वो सदा पहने रहती थी। जब महारानी जी का ही पता नहीं तो हार कहाँ से मिलेगा? अब इस मालवाहार के लिए महारानी को कहाँ से लाए? जाइए आप लोग, हमें अकेले छोड़ दीजिए। महाराज चिंता मत कीजिए महाराज, पुराने राज्य परिवार की तलाश के दौरान मुझे खबर मिली है कि अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर राधापुर गांव में एक बुढ़िया रहती जो हमेशा मालवा की प्रशंसा की गीत गाती रहती। मुमकिन है वही? तो फिर देर मत करो, फौरन जाओ फौरन। अरे सुना तुमने, राजा दिलेर जंग को ताम्रपत्र मिल गया। तब तो इन जंग लुटेरों को खजाना भी मिल जाएगा। नहीं, ताम्रपत्र में खजाने के बारे में कुछ नहीं लिखा, एक हार के बारे में लिखा है। खजाने का भेद उस हार में है। हार कहाँ है? कहते हैं हार हमेशा महारानी जी के गले में रहता था। उन लोगों का ख्याल है कि महारानी जी जिंदा है, इसलिए दिलेर जंग ने अपने सेनापति प्रताप जंग को महारानी जी की तलाश में भेजा है। भगवान करे इनका ख्याल ठीक हो, महारानी जी जिंदा हो और इनके चंगुल से बची रहे। मालवा की पुरानी महारानी कहाँ है? मालवा की महारानी? और यहाँ? हाँ हाँ, वही औरत जो मालवा और भवानी माँ की प्रशंसा के गीत गाती है। नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं है, मैं जानता, मुझे नहीं मालूम। वो देखो वहां रही। यहाँ कोई नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। जा जाओ तुम यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है। सामने से हटो नहीं तो हंटरों से खबर लूंगा। हम हटने वाले नहीं है। हाँ, 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 हटने वाले नहीं है। सिपाहियों हटो सामने से, नहीं तो चमड़ी फटू बैठे की। हटो मेरे लिए इन्हें क्यों सताते हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम लोग हट जाओ। माफ कीजिएगा, मैं महाराज की आज्ञा से मालवा की पुरानी महारानी को गिरफ्तार करने आया हूँ। आप सच सच बताइए, आप ही पुरानी महारानी है क्या? हाँ हाँ, यही है मालवा की पुरानी महारानी। क्यों महारानी जी, मुझे पहचानती है ना? मानसिंह नमक हराम। महामंत्री जी ये आपने क्या किया? तुम बीच में मत बोलो, निकालो हार। मेरे पास कोई हार नहीं। कहाँ गया बताओ? मुझे नहीं मालूम। तभी मालूम हो जाएगा। सिपाहियों अंदर तलाश करो, घर का कोना कोना छान मारो, जाओ जल्दी करो। अंदर हार नहीं है सरकार, कोना कोना छान मारा। अच्छी तरह देखा? जी सरकार। बोलो हार धर्मपाल सिंह को दिया है या राजकुमारों को? कहाँ है वो लोग? मुझे ये मालूम होता तो मैं यहाँ अकेली क्यों रहती? तुम्हें सब कुछ मालूम है,
लेकिन बताना नहीं चाहती। प्रतापधन लगाइए इसे हथकड़ी, हम इसको उस जगह के दर्शन कराएंगे जहां पर बड़े बड़े बदमाश अपनी जुबान खोलने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन लेकिन जब ये कह रही हैं कि नहीं मालूम, आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? ये आपकी माँ है क्या जी? चलिए जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। माफ कीजिए माँ जी, मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं। आइए। अब तो बताओ कि हार कहां है, धर्मपाल सिंह कहां है, तुम्हारे दोनों बेटे कहां है? मुझे नहीं मालूम। अभी मालूम हो जाएगा। गूंगा, इसकी आंखों की रोशनी छीन लो। महामंत्री जी, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना भी गिर सकते हैं। जिनका आपने नमक खाया, बसों जिनके सामने अपना सर झुकाया, आज उन्हें बेसहारा पाकर अंधा बनाना चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। प्रतापधन, होश में आओ, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। ये मत भूलो कि तुम महाराज दिलेर सिंह के मुलाजिम हो। मैं सबसे पहले इंसान हूं, जब तक मेरी जान में जान है मैं किसी मजलूम पर जुल्म होते नहीं देख सकता। देखता हूं कैसे रोकते हो। सिपाहियों, महाराज देख लिया आपने, सेनापति सुबेर चंद का बेटा और गद्दार निकलेगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। क्षमा कीजिए महाराज, ये सुमेर जंग का बेटा नहीं है। क्या कहते हो बलदेव जी? महाराज, मैं जब सुमेर जंग जी से तलवारबाजी सीखा करता था, वो ये बच्चा कहीं से उठा कर लाए और अपना बेटा बना लिया और मुझसे कहा, बेटा ये भेद किसी से ना कहना ताकि इसके दिल को ठेस न लगे। लेकिन आज जब ये उनके पवित्र नाम को कलंक लगा रहा है, मैं खामोश नहीं रह सकता। बेटा बेटा क्यों चांदेली? महाराज, प्रताप गद्दार नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बलदेव ले जाओ उसे। नहीं नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ले जाओ इसको। तुम इसे नहीं ले जा सकते। नहीं नहीं नहीं, तुम इसे मत ले जाओ। महाराज महाराज, इसे माफ कर दीजिए। महाराज इसे माफ कर दीजिए। महाराज बेटा। बेटा बेटा, मैं तेरी माँ हूं ना? हाँ माँ, हाँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। माँ बेटा, देखते क्या हो, ले जाओ इसे और लटका दो सूली पर। परेशान होने से कुछ नहीं होगा महाराज, हमें फौरन कैदखाने पर हमला करके महारानी जी को छोड़ाना होगा। मैंने मंगल सिंह को बुलाया। मंगल सिंह, वो शराबी क्या करेगा?
वो शराबी जरूर है महाराज, लेकिन आज भी काम का है। उसने बारूद का एक ऐसा गोला ईजाद किया है जो मजबूत से मजबूत दरवाजों को तोड़कर फेंक देगा। राम सिंह, हमें मंगल सिंह पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है महाराज को? मंगल सिंह पे भरोसा नहीं है महाराज? एक बार मंगल सिंह पर भरोसा करके देखिए। मैं अपने बारूद के गोले से कैद खाने के दरवाजे को चूर करके रख दूंगा। क्या कर दूंगा? चकना चूर कर दूंगा। देख लिया राम सिंह? क्या देख लिया? अरे अभी तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं और आपने देख कैसे लिया? ये देखिए, ये नहीं, ये देखिए, ये है वो पत्थर फोड़, लोहा तोड़, बारूद का गोला। मगर इसकी शर्त यह है कि इसके फेंकने वाले के हाथ मजबूत होने चाहिए। वो इसको इतनी जोर से फेंके कि अगर उसने जोर से नहीं फेंका तो ये फूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूस हो जाएगा। बकवास बंद करो। नशे से हाथ तो कांप रहे हैं, तुम गोला क्या हाथ फेंकोगे? चले जाओ यहाँ से। महाराज, महाराज, मैं महारानी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। क्या कर दूंगा? अपनी जान दे दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। महाराज, सिर्फ एक मौका। कितना मौके? सिर्फ एक मौका महाराज। बड़े भैया, महाराज, महाराज, सिर्फ एक मौका। मैं महारानी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा, एक मौका। राम सिंह जी, महाराज, अपने सब आदमियों से कहो कि तैयार रहें। आज आधी रात के बाद कैदखाने पर हमला करके हम महारानी को छुड़ाएंगे। खाने का दरवाजा उड़ गया, रानी गायब हो गई, और तुम ये खुशखबरी सुनाने हमारे पास चले आए? बेवकूफ हो,
रानी के बिना हार कहां से मिलेगा, हार के बिना खजाना कहां से मिलेगा? बलदेव जंग। जी महाराज। रानी के घर के आसपास सख्त पहरा बिठा दो, हार उसने वहीं कहीं छुपाया है और हार लेने जरूर कोई आएगा, होशियार रहना। जी महाराज। दमक, अरे ओ दमक, अब आप भी अपने जेवरात उतार कर मेरे हवाले कर दीजिए। कौन हो तुम? डाकू शेर सिंह। लड़की पे क्या आरोप जमा रहा है लुटेरे? हिम्मत है तो मेरे सामने आ। कौन हो तुम? प्रताप। ओ, तो तुम हो प्रताप? हाँ, मेरे होते तुम इस लड़की का बाल भी बाका नहीं कर सकते। नहीं, बेवकूफ, शेर सिंह का नाम सुना है कभी? सुना है, लेकिन आज शेर सिंह का नाम और निशान दुनिया से मिटने वाला है, इसीलिए तो तकदीर ने तुझे मेरे सामने खड़ा किया। अरे क्या बकता है, ये वो तलवार है जिसके सामने आने वाला कभी वापस लौट कर नहीं जाता। इस तलवार को वापस म्यान में रख ले और ये सारा माल यहीं छोड़कर भाग जा शेर सिंह, वरना तेरे शरीर का सारा खून फर्श पे बिखर जाएगा। सारा खून? अगर तू मेरे शरीर से खून की एक बूंद भी गिरा देगा तो मैं तेरी जान और ये सारा लुटा हुआ माल यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। चला मैदान में। रुक जाओ, हमारे लिए तुम अपनी जान मत गवाओ, ये जो कुछ ले जाना चाहते हैं किन्हें ले जाने दो। आप हमारे बीच में बताइए, आज मुझे इसका काम तमाम करना है। निकल आजा। ठहरो, शेर सिंह अपना वचन कभी नहीं तोड़ता है। इस बहादुर की तलवार ने हमारे खून की बूंद नीचे गिरा दी है, इसलिए ये संभाल यही छोड़कर तुम लोग वापस लौट जाओ। जाओ। शाबाश मेरे भाई, जिंदगी में पहली बार बराबर वाले से टक्कर हुआ, काश फिर मुलाकात हो। जूही, यहाँ इन्हें राजमहल ले चलो। गुरु, गुरु, क्या हो गया गुरु को? हटो, आओ भैया। लेटे रहो लेटे रहो, अब कैसी तबीयत है? पिताजी, राजवैद्य ने कहा है कि जख्म काफी गहरा है, ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। अच्छा, नौजवान, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी बेटी को बचाया है, इसलिए हम तुम्हारे लिए जो कुछ भी करें कम है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे घर वालों को खबर देना जरूरी है। महाराज, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर जब तक तुम ठीक ना हो जाओ यहीं राजमहल में रहो, बाद की बात बाद में सोचेंगे। बेटी पद्मा जी, इनका खूब अच्छी तरह ख्याल रखना, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी पिताजी। तो फिर हम चलते हैं। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ। अरे ए, तुम भी चलो ना। कौन, मैं? तुम? हाँ मैं भी चलता हूँ, मैं जाता हूँ। चलो देखिए,
आप न जाइए। क्यों? आपके पिताजी कहकर गए हैं कि आप मेरा अच्छी तरह ख्याल रखें। तो लीजिए, नहीं जाते। फरमाइए, क्या ख्याल रखूं आपका? अरे भाई शेर सिंह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अजीब आदमी है आप, दुश्मन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। राजकुमारी जी, अगर शेर सिंह ना आता तो आपको बचाने ना मैं वहां पहुंचता, न जख्मी होता और न ही आपको इतने नजदीक से देखने का मौका मिलता। क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत दर्द हो रहा है? हो रहा था, अब नहीं। आपके इन कोमल हाथों में जादू है। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। गुस्ताखी? आप पांचाल देश की राजकुमारी है और मैं एक मामूली गरीब इंसान। तो क्या हुआ? मुझे आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। वो तो है, हाथ पकड़ने से पहले हाथ मांगना चाहिए। जी देखिए, आप फिर गुस्ताखी कर रहे हैं। नहीं, अवंतीपुर के महाराज मालवा के राजमहल में नहीं जाएंगे। क्या मतलब? उसकी जगह हम जाएंगे, अवंतीपुर के महाराज बनकर। मालवा की जनता का खून चूस चूस कर दिलेर जंग ने काफी दौलत इकट्ठा कर ली है, उसे वापस लाकर जनता को देना है। लेकिन अवंतीपुर का महाराज भी वहां पहुंच गया तो? उसके वहां पहुंचने से पहले हम उसके पास पहुंच जाएंगे। हम मालवा राज और प्रजा की तरफ से अवंतीपुर के महाराज का स्वागत करते हैं। आपने यहाँ पधारकर हमारा मान बढ़ाया। ये हमारी पुरानी आदत है, हमें जब भी कोई महापुरुष याद फरमाते हैं हम फौरन वहां पहुंचकर उनका मान बढ़ाते हैं। ये आपकी महानता है महाराज, आपकी तारीफ। मान सिंह हमारे महामंत्री हैं। महामंत्री? तो फिर हमारे सर पे क्यों चढ़े आ रहे हैं? हमारे महामंत्री से बात करो और सुनो, हमारे साथ जो सेवक आए हैं उनके खाने पीने का प्रबंध किया जाए। आप निश्चिंत रहिए, वो सब हो जाएगा। आप आइए हमारे साथ, आप सब भी आइए। आइए मगर पीछे पीछे। आइए। कौन है तू? तेरा बाप? ये मालवाराज है या अंधेर नगरी है? यहाँ के छोटे बड़े सब बदतमीज है। क्या बक रहा है? तमीज से बात कर बेवकूफ, ये मालवा के महामंत्री हैं। मेरी जूती से हम अवंतीपुर के महाराज चंद प्रचंड उदंड पाल सिंह परमार है। क्या? हाँ? अवंतीपुर के महाराज आप हैं और इस हालत में? हमारी जूती से तुम्हारे महाराज के आमंत्रण पर हम लोग यहाँ आ रहे थे। एक डाकू ने हम पर हमला किया, हमें नंगा करके पेड़ से बांध दिया और हमारा सब कुछ लेके वो भाग गया। सब कुछ लेकर भाग गया? हमारी जूती से। कहाँ है महाराज? महाराज कहाँ है? ओ, 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 कहा है तुम्हारा महाराज? महाराज महाराज हमने धोखा खाया। क्या है महाराज? महाराज ये है आपके महाराज? कौन है ये गुस्ताख? महाराज ये है अवंतीपुर के असली महाराज। अवंतीपुर के असली महाराज? फिर वो कौन है? गरीब का दोस्त।
महाराज आपके पीठ पर चिट्ठी है। चिट्ठी पढ़ क्या लिखा है? उल्लू के पट्टे। उल्लू के पट्टे मेरे जूती से पढ़ो। उल्लू के पट्टे आगे पढ़ो। मैंने जो कहा था कर दिखाया। अब तू मालवा का सिंहासन छोड़कर भाग जा वरना मुझे आकर भगाना पड़ेगा। गरीब का दोस्त। गरीब का दोस्त? महामंत्री जी, सेनापति जी, अब बोलो बोलो क्या बोलते हो? निकम में दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। आज से सारा काम हम खुद संभालेंगे। जाओ चला जाओ यहां से। गरीब का दोस्त। तू ये क्या कर रहा है? जा यहां से। कहां जाऊं? बाहर जा। बाहर में? बाहर में तू जा। मेरी जूती से। क्या अपनी शक्ल देख? शक्ल अवंती। अरे अपना मुंह देख आईने में मालवा। क्या देख रहे हो? कभी तो आप इतनी नजदीक लगती हैं कि आप में और मुझ में कोई फर्क ही नहीं लगता, और कभी आप इतनी दूर हो जाती हैं कि लगता है कि ये दूरी कभी दूर नहीं होगी। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। किस पर? अपने आप पर, और उस पर जो आपकी आंखों में बसा है। कौन बसा है हमारी आंखों में? ये काजल। काजल? हाँ काजल। चलते हो? क्यों नहीं, इस काजल की किस्मत हमसे बेहतर है। तेरी पलकों में काजल ए हसीना हमसे बेहतर है। तेरी पलकों में काजल ए हसीना हमसे बेहतर है। कहाँ किस्मत हमारी जो तेरी इन काली आंखों में बसे रहते हमेशा इन हसीमत वाली आंखों में। ये काजल ये काजल फिर था
धीरज रखिए महारानी, धीरज रखिए। जय विजय जरूर कहीं ना कहीं है। जैसे माँ भवानी की कृपा से हम दोनों मिले हैं, वैसे ही जय विजय भी हमसे जरूर मिलेंगे। आओ शंकर सिंह। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ शंकर सिंह, पहले राधापुर जाकर महारानी जी का मकान तलाश करो। उस मकान के रसोई घर में दाएं तरफ से तीसरे चूल्हे में महारानी जी का हार छुपा है, उसे किसी कीमत पर भी लेकर आना। जी महाराज। जान जोखम का काम है शंकर सिंह, उस मकान के चारों तरफ जंग सिपाहियों का पहरा है। ये जान आपकी अमानत है महाराज, जिस दिन आपके काम आ जाए इसका मकसद पूरा हो जाएगा। जय भवानी। लेकिन इस हार की मदद से खजाना कैसे मिलेगा ये ना महामंत्री को मालूम है न पंडित मंडली को। महामंत्री जी, सबसे पहले खजाने की बात कहां से मालूम हुई ये बताइए। भोजपत्रों से महाराज। तो फिर हार का भेद भी भोजपत्रों में ही मिलेगा। तुम लोग सारे भोजपत्र पढ़ो। राज पंडित कहां है? शंभू, मैं राम सिंह हूं। राम सिंह? राम सिंह। राजकुमार विजय कैसे? वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहाँ है, कौन है वो? सेनापति प्रताप जंगी हमारे विजय हैं। प्रताप जंग, विजय, प्रताप हमारा विजय। प्रताप मेरा विजय है। हाँ, शंभू ने मुझसे खुद कहा है। देखिए इस ताम्रपत्र पर लिखा है कि हमारे पूर्वजों के किसी खजाने का संबंध हमारे इस हार से है। कमाल है, ऐसी ही पेटी में से एक ताम्रपत्र मालवा में भी निकला था, उसमें भी हार का जिक्र था। इसका मतलब खजाने का संबंध दो नहीं तीन हारों से है। तीन हार? जी, क्योंकि इस हार में पुष्पुरी की हार का जिक्र है और हमारे जासूसों ने खबर दी है कि पुष्पुरी की राजकुमारी अंबिका देवी के गले में भी एक ऐसा ही हार है। अच्छा, पिताजी की शर्त है कि जो नौजवान पुष्पुरी की राजकुमारी अंबिका देवी के गले का हार लाकर उनके हवाले करेगा उसके हाथ में वो अपनी बेटी का हाथ सौंप देंगे। ये बात है, तो फिर आपने अब तक क्यों नहीं कहा मैं पुष्पुरी का हार लाऊंगा। मंत्री जी बताइए तो इस पेटी में से क्या निकला। महारानी जी, पेटी में से निकले इस ताम्रपत्र में उस हार का जिक्र है जो आपने पहन रखा है। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारे पूर्वजों के खजाने का संबंध इस हार से है। जी महारानी जी, इस हार में जरूर कोई भेद छुपा है।
तो खुलता भी है, हमें आज तक मालूम ना था। इसमें कुछ लिखा भी है, पढ़िए तो। नील पर्वत उत्तर द्वार, आंजनेय गरुण गणेश, तीन देव जहां साकार, धन कुबेर का अपरंपार, आगे पढ़ो मालवाहार। मालवाहार वो कहाँ होगा? हमारे जासूसों की सूचना के अनुसार इस समय वो हार मालवा के जंग राजा दिलेर जंग के पास है। इसका मतलब दिलेर जंग भी वो खजाना हासिल करना चाहता है। हम अपने पूर्वजों का खजाना जंगलों के हाथ नहीं लगने देंगे। हमें सबसे पहले मालवा का हार अपने कब्जे में करना चाहिए। देखा महारानी, अभी हम अपने लोगों के खाने की चिंता कर ही रहे थे कि गरीब के दोस्त की मदद आ गई। कौन है ये गरीब का दोस्त? इसका प्रसाद तो सबको मिलता है पर दर्शन किसी को नहीं होते। कौन है, कहां से आता है, कहां जाता है, कोई नहीं जानता। अमीर उसके खून के प्यासे हैं और गरीब उसके लिए दुआएं मांगते हैं। ये क्या महारानी जी, आप भेष बदलकर फिर कोई नया खेल खेलने जा रही हैं? जब गरीब का दोस्त हमारे ही नगर में है तो क्यों ना उससे फायदा उठाया जाए। कैसा फायदा? हम उस जैसा बनकर उसकी तलाश करेंगे, उसका इम्तिहान लेंगे। अगर वो कामयाब हुआ तो उसकी मदद से मालवा का हार और हार की मदद से वो खजाना हासिल करेंगे। लेकिन खेल खतरनाक है महारानी जी, अगर आपको किसी ने पहचान लिया तो। इस तत्व से फिक्र ना करो महामंत्री जी। गली गली नचन गान वाली बंजारन पुष्पुरी दी महारानी हो सकती है, ऐ कोई कदे नहीं सो सकता। झमक झम 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 झ
कबूतर बड़े गर्मी विच है। कबूतरी चोच मारे तो कबूतर की करे। क्या नाम है तेरा? बंतो बंजारन। रहने वाली? लारदी। हाय रे हाय सर मज्जा, तू बंतो बंजारन लाहौर दी, मैं जानी चोर पेशौर दा, जोड़ी तो जोर बराबर दा, चल पकड़ा कुड़िए। बले 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 बले, उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा ना पकड़, माल निकाल माल। तू ही तेज, तेरी नजर भी तेज, ये ले माल। बले बले बले, नच नच के पैर मेरे टूटन, गा गा के गला मेरा फटे, और माल तू ले जाए। अरे ये देख ये। हाय रे है सर मज्जा, ये देख मेरा नाम भी जानी चोरा कुड़िए, पैर के नीचे से मिट्टी निकालो और पैर को पता ना चले, आंख के अंदर से सुरमा चुरा लो और आंख को पता ना चले, की सोच रही है? जो कहूंगी करेगा, करवा के देख ले। यहाँ दी राजकुमारी दे कोल एक हीरो दा हार है, ओनू लेकर आ। बस समझ ले आ गया, लेकिन ला दिया तो देगी क्या? जो मांगेगा। हाय रे है सर मज्जा, अब गल बनी, कल इसी वक्त इसी जगह पर आ जाना, तुझे तेरा हीरो का हार मिल जाएगा और मुझे मुंह मांगी चीज मंजूर? मंजूर। हाय रे है सर मज्जा। ओए बल्ले बल्ले। ये शेर सिंह का बच्चा यहाँ कहाँ से टपक पड़ा? अरे उस बंजारन के साथ मिलकर वो भी वही हार उड़ाना चाहता है। राजकुमारी को चिट्ठी क्यों भेजी? हार तो हम चुपके से चुरा लेते। अरे तू देखता जा क्या होता है। जी 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 जी, ये क्या? लुटेरे दोस्त, अपनी भलाई चाहते हो तो हार का ख्याल छोड़कर अपने पुराने धंधे पर वापस चले जाओ। प्यारा दुश्मन। गुरु ये प्यारा दुश्मन कौन है? वही देखता हूं। चिट्ठी भेजने वाला, अरे हार तो हम लेकर आएंगे। महारानी जी, आपकी परेशानी दूर करने के लिए आज आधी रात को मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं। आगे पढ़िए। आप अपने गले का हार जरा संभाल कर रखिएगा, गरीब का दोस्त। लेकिन आज रात जानी चोर भी इस हार को चुराने आएगा, और ये गरीब का दोस्त भी, कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं है? एक हो या दो, आज आकर वापस जाना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ सख्त पहरे होंगे, रात भर नाच और गाना होगा। हमारी चंपा दासी नकली महारानी बनकर, गले में नकली हार पहनकर नकली सिंहासन पर बैठेगी, फिर भी जानी चोर या गरीब का दोस्त वो हार चुरा ले जाने में कामयाब हो गया तो वो मालवा का हार उड़ा लाने में जरूर कामयाब हो सकता है।
रानी जी, मैं हार ले जाने में कामयाब रहा, आप मुझे पकड़ने में नाकामयाब रहीं। अपनी जीत की खुशी के साथ साथ आपकी हार का अफसोस है। फिर मुलाकात होगी, गरीब का दोस्त। प्यारे दुश्मन को लुटेरे दोस्त की तरफ से नकली हार मुबारक हो। एला असली हार कुड़िये। इसका मतलब महल में चिट्ठी तुमने फेंकी थी। तुम पिशौर के चोर नहीं, गरीब के दोस्त हो। इसका मतलब है आप बंतो बंजारन नहीं, पुष्पुरी की राजकुमारी अंबिका देवी हैं। वरना उनको लिखी चिट्ठी का राज आपको कैसे मालूम होता? हम गरीब के दोस्त से मिलना चाहते थे। मुझसे मिलना चाहती थी आप? किस लिए? इस हार में एक और हार का जिक्र है जो मालवा के लुटेरे जंग के पास है। हमारे और मालवा नरेश की पूर्वजों का एक बहुत बड़ा खजाना कहीं छुपा हुआ है। हमारी दोनों हारों की मदद से वो खजाना हमें मिल सकता है। इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे सिवा और कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, यह काम भी हो जाएगा, लेकिन पहले काम का इनाम तो दीजिए। हाँ हाँ, हमें याद है, बोलो क्या चाहिए। बोल दूं? हाँ हाँ बोल दो, हम देने को तैयार हैं। वो क्या, सताओ मत, क्या चाहिए बोलो। आपका दिल। दिल? बस दे दिया ना? अरे नहीं दूंगी तो क्या तुम छोड़ दोगे? चोर डाकू हो, जबरदस्ती ले लोगे? मिल गया, खजाने का राज मिल गया। अच्छा? इन भोजपत्रों में लिखा है कि हार पीछे से खुलता है। हा? अरे हाँ, इसमें तो कुछ लिखा भी है। राजपंडित पढ़िए क्या लिखा है। गणेश गरुड़ आंजने, तीन देव तीन हार, धन कुबेर का अपरंपार, देवकंठ में डालो हार, अपने आप खुलेगा द्वार, आगे पढ़ो पांचाल हार। पांचाल हार? बलदेव चंद जी महाराज, तुम सेना लेकर फौरन पांचाल देश जाओ। अगर वहां का राजा रतन सेन हार देने से इनकार करे तो उसे पकड़कर कारखाने में डाल दो। जी महाराज। हार वहां की राजकुमारी के गले में होगा। सुना है राजकुमारी बहुत खूबसूरत है, हार के साथ राजकुमारी भी। समझ गए? जी महाराज। हमारा राज मालवा के अधीन है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अन्याय के सामने अपना सर झुका दें, अपनी बेटी और खानदानी हार एक अय्याश राजा के हवाले कर दें। जो होना था हो चुका है महाराज, मैं अकेला नहीं, मालवा की सेना के साथ आया हूँ। इस वक्त राजमहल हमारे कब्जे में है। क्या? और आप भी। सिपाहियों ले जाओ इन्हें और कैदखाने में डाल दो। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। आइए राजकुमारी जी। वक्त अकेले में मुलाकात करने के लिए एक चोर को दूसरे चोर के पास चोरों की तरह ही आना चाहिए। तुमने हमें चोर कहा, अभी बताती हूँ। क्या आप चोर नहीं? आप तो मुझसे भी बड़ी चोर हैं। मैंने तो सिर्फ आपका हार चुराया, वो भी आपके कहने पर। आपने तो मुझ गरीब का सब कुछ चुरा दिया।
आए रे है सुर मज्जा। अदब से बात करो, हम महारानी हैं। किसी गैर की नहीं, आप हमारी महारानी हैं। हमने तुम्हें मालवा का हार लाने भेजा था। वही तो लेने जा रहा था, लेकिन आपने हमें वापस बुला लिया। हमने नहीं तो। जरा अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपने हमें याद नहीं किया था? बोलिए, अगर आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो हम वापस लौट जाते हैं। जाऊं? आप लाख जतन कीजिए, लेकिन तन मन में जो ज्वाला जल रही है वो मिलन के बिना बुझेगी नहीं। बेला जाके? हाँ, अच्छा हुआ उस वक्त दरवाजे पे खड़ी रहे और किसी को अंदर ना आने दे। आओ। चोर कहेगा, जा यहाँ से, जा। माला से आने के बाद मिलना। कौन था? कहाँ? अभी मैंने किसी की आवाज सुनी। तुमने कोई सपना देखा होगा? चलो जाके सो जाओ। जाओ।
बात है गुरु। पांचाल के हार में खजाने की जगह का रास्ता लिखा था और इसमें जगह का पता लिखा है, जहां गरुड़, गणेश और आंजने तीनों देवों की मूर्तियां हो। तो फिर मालवा के हार में क्या लिखा होगा जिसे लाने के लिए यहाँ की राजकुमारी ने शेर सिंह को भेजा? ये तो हार मिलने के बाद ही मालूम होगा। अरे चमक, तू मालवा में, क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ गुरु, महारानी अंबिका देवी का हार चोरी हो गया। ओ, वो कैसे? वो मुझे नहीं मालूम, बस इतना बताया है वो बहुत परेशान है, तुम्हें जल्दी बुलाया। ठीक है, मैं पुष्पुरी जाता हूँ, तू मालवा हार की टो में यही रहना। ठीक है। क्या बात है? मालवा के सेनापति ने पंचायत पर कब्जा कर लिया और महाराज को बंदी बनाकर राजकुमारी को साथ ले गया। कब की बात है? कल शाम की। ये लो, राजकुमारी के साथ हार भी गया, दो के तीन करने चले थे फिर एक का एक। पहले राजकुमारी को बचाना है। कौन हो तुम लोग? मारा बाप मुसाफिर। हाँ भाया, मैं धनपत। ये मारो बेटो लखपत। ये इसकी बिंदनी। चांद को टुकड़ो हाथ लगाया मैं लियो। हम दोनों बाप बेटा तो कहीं भी पेड़ के नीचे रात काट लेवांगा। पर बिंदनी अंदर तंबू में। नहीं नहीं, अंदर राजकुमारी जी सो रही हैं। ठीक है बेटा, बिछा ले बाहर। नहीं बापू, नहीं नवेली दुल्हन है, एकली कैसे सोवेगी? अरे एकली कैसे बाबला। ये जवान मर्द सरदार है ना पास में, इसके होते खतरे की कोई बात नहीं। बापू इसी से तो खतरो है, माफ कर जो। देखो ना चांद को टुकड़ो हाथ लगाना मैं लियो। चुप बापू। सो जा बिंदनी पाँव पसार के। जरा ख्याल रखना भाया। देखो ना चांद को टुकड़ो हाथ लगाया मैं लियो। चलना बापू का बेटा। राजकुमारी जी, अपने लुटेरे दोस्त से कहिए, हार जिसे मिलना चाहिए था मिल गया। प्यारा दुश्मन। ये प्यारा दुश्मन है कौन? है एक। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, पांचाल देश की राजकुमारी पद्मावती। क्या? हाँ। ये पांचाल देश की राजकुमारी है। हाँ,
अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन ये इनके साथ कौन है? यही तो है वो प्यारा दुश्मन जो तुम्हारा हार चुरा कर ले गया था। गरीब के दोस्त के बाबा भी अब ये दोनों हार नहीं ले सकते। कल मालवा जाकर तीसरा हार भी लेंगे, फिर खजाना। लीजिए, अब आप सब आराम से सो सकते हैं। जैसे पहले संभाल के रखा था। आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए और महल में जाकर आराम कीजिए। फरमाइए, कल तीसरा हार मालवा से लाऊंगा और आपको ले जाऊंगा। दोनों मेरे साथ चलिए, कल आप दोनों को मालवा हार से मिलवा दूंगा। नमस्कार, नमस्कार, दो बार नमस्कार, हजार बार नमस्कार। श्रीमान गुण निधान, हमें सूचना मिली है कि आज मालवा नरेश की महाराज के राज तिलक की तीसरी वर्षगांठ है। मगर उससे आपका मतलब, आप है कौन? हैं। तो क्या आप गुरुदेव को नहीं जानते? आश्चर्य, हम काशी नगरी के प्रसिद्ध गायक संगीताचार्य श्री श्री गौरी शंकर जी महाराज, गीत संगीत शिरोमणि, सर्व कला प्रवीण, सर्व। बस बस, आप उत्सव में पधारकर अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए। धन्यवाद। आदाब अर्ज है वजीर साहब, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। आप वल्लाह, आप इनसे नावाकिफ हैं? आप शहंशाह मौसीकी, कव्वालों के कव्वाल, उस्तादों के उस्ताद, जनाब रसगुल्ला खां लखनवी। आज बादशाह सलामत दिलेर जंग साहब के जश्न ताज पोशी की सालगिरह के मुबारक मौके पर। माफ कीजिएगा, आप देर से पहुंचे हैं, हम संगीताचार्य जी को वचन दे चुके हैं। क्या फरमाया? ये आचार मुरब्बे मौसीकी क्या जाने? पहले भाषा का ज्ञान प्राप्त कीजिए रसगुल्ला खां साहब। आचार्य को आचार कहते हो? ठुमरी प्रभाती मलाल गा सकते हैं आप? तुम गजल कसीदा कवाली गा सकते हो? हम सब कुछ गा सकते हैं। कल का छोकरा हमें चुनौती देता है। हाँ, हमें छोकरा कहा, हम समझ लेंगे, हम भी समझ लेंगे। ये बात है? हाँ, ये बात है। ओहो, आप तो आपस में लड़ने लग गए। आप दोनों उत्सव में तशरीफ लाइए, महाराज के सामने मुकाबला होगा, जो जीतेगा वो इनाम पाएगा। दीवाने को कुछ आज पाना तो है, हिसाब
कुछ आज पाना तो है, हिसाब अपने दिल का चुकाना तो है, नजर तुमसे आज मिलाना तो है, बड़ी दूर से हाँ बड़ी दूर से हाँ बड़ी दूर से चल कर आए हैं, तुम्हें जलवा दिखाना होगा, बड़ी दूर से चल कर आए हैं, तुम्हें जलवा दिखाना होगा, बड़ी दूर से चल कर आए हैं, तुम्हें जलवा दिखाना होगा, नहीं आकर हाँ नहीं आकर आए, नहीं आकर फिर अपने हाथों से हमें पर्दा उठाना होगा, बड़ी दूर से चल कर आए हैं, तुम्हें जलवा दिखाना राज भी मेरा है ये, आज भी मेरा है ये, सारा
दिखलाएगा जब दीवाना पीछे पीछे जमाना होगा। बड़ी दूर से चलकर आए हैं तुम्हें जलवा दिखाना होगा। बड़ी दूर से चलकर आए हैं तुम्हें जलवा दिखाना होगा। शाबाश, ऐसा गीत संगीत हमने जिंदगी में पहली बार सुना है। खान साहब अपने फन के उस्ताद हैं और संगीताचार्य जी अपनी कला के गुरु, दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हैं। हमें दोनों का कमाल बेहद पसंद आया। आज हम दोनों की मुंह मांगी मुरादें पूरी करेंगे। खान साहब, पहले आप फरमाइए। बंदा परवर, आपकी नजरे इनायत के सिवा इस खाकसार को और कुछ नहीं चाहिए। आपके दिल में थोड़ी सी जगह मिल जाए, यही तमन्ना। आइए। बंदा परवर, खाकसार को जो चाहिए था मिल गया, दिल की मुराद पूरी हो गई। आचार्य जी, अब आप मांगिए। क्षमा कीजिए कृपा निधान, खान साहब आपके गले से लगकर सब कुछ ले गए, अब ये सेवक क्या मांगे। इस शुभ अवसर पर हमारी बात रखने के लिए आपको कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। श्रीमान, आप इतना अनुरोध करते हैं तो मांगता हूँ। वस्तु बहुत साधारण सी है, पर आपकी नहीं, हम खरीद कर देंगे। आप बोलिए तो सही। श्रीमान, खान साहब के अद्भुत वाद्य यंत्र तानपुरे की मधुर तान ने मेरा मन मोह लिया है। यदि इनका यह तानपुरा मुझे मिल जाए तो। जी हरगिज नहीं, ये तानपुरा हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। हम आपको दूसरा तानपुरा मंगा देंगे। माफ कीजिए हुजूर, आप नहीं जानते इस तानपुरे में क्या क्या राज छुपे। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। एक मामूली से तानपुरे के लिए आप लोग जिद क्यों कर रहे हैं। आचार्य जी, हम आपको हीरे मोती से जड़ा हुआ कोई बहुमूल्य तानपुरा इनाम देंगे। क्षमा कीजिए श्रीमान, मुझे यह विदित नहीं था। मालवा के इतने बड़े महाराज मेरी यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकेंगे। चलो शिष्य। चलिए गुरुदेव। ठहरिए, खान साहब ये तानपुरा आचार्य जी को दीजिए। लेकिन हुजूर। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये हमारा हुक्म है। जी बंदा परवर। धन्यवाद, आपने मुझे यह तानपुरा देकर कुबेर का धन दे दिया। बस एक छोटी सी इच्छा और बाकी है। फरमाइए। जिस तरह खास आपको गले लगाकर आपने इनका मान बढ़ाया, वैसे ही मुझे भी। आप जैसे कलाकारों के गले लगकर मान हमारा बढ़ता है। आइए। मेरी सब इच्छाएं पूरी हो गई महाराज, अब आज्ञा दीजिए। खान साहब, आपको अपने तानपुरे के बदले में क्या चाहिए, फरमाइए। माफ कीजिए हुजूर, दुनिया की कोई चीज मेरे तानपुरे की कमी को पूरा नहीं कर सकती। क्या तुम्हारा मतलब है गरीब का दोस्त असल में शेर सिंह है? जी, जानते हैं मैंने क्या किया है? क्या किया? शेर सिंह की माँ को गिरफ्तार किया है। बुढ़िया को पकड़ा, क्या तीर मारा। अगर बेटे को। मंत्री जी, माँ को जब दांव पे लगा दूंगा तब बेटा अपने आप चला आएगा। और भी एक बात सुनिए, मैंने महारानी के अड्डे का पता लगा लिया है और अब उसे भी गिरफ्तार करने वाला हूँ। शाबाश रणधीर, तुम सब पहले पर थे। गरीब का दोस्त आया, हमारे गले का हार निकाल कर गया, ये चिट्ठी हमारे पीठ पर चिपका कर चला गया। तुम कहते हो हम बेकसूर हैं, फांसी लगा दो सबको। महाराज, मैंने गरीब के दोस्त की असलियत मालूम कर ली है। डाकू शेर सिंह असल में गरीब का दोस्त है। और असलियत जानकर यहां है, उसे पकड़ने के लिए आपने कुछ किया? उसकी मां इस वक्त हमारी कैद में है और वो अपनी मां को छुड़ाने के लिए जरूर आएगा। तो जाइए, जाकर ऐसा इंतजाम कीजिए कि वो आके वापस ना जा सके। जाइए। अब बाजी जीत ली। पांच चाल हार में रास्ता लिखा था, आपके हार में जगह लिखी थी और इस मालवा हार में तरकीब लिखी है। तीनों हार तीनों देवताओं के गले में डाल दो और खजाना हासिल करो। अब शेर सिंह को खजाने पे कब्जा करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन तुमने वो दोनों हार कहाँ रखे हैं? वही तो लेने जा रहा हूँ, आप राजमहल में जाकर मेरा इंतजार कीजिए। Ha 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 ha
है दोनों हार? मेरे पास है। अब वो एक हार जो तुम्हारे पास है वो भी मुझे दे दो, क्योंकि एक हार तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। उस एक के बिना तुम्हारे दो भी किसी काम नहीं आएंगे। तो फिर क्या इरादा है? इरादा नेक, मैं अपना एक हार मैदान में रख देता हूं, तुम भी अपने दोनों हार उसके पास रख दो, जिसमें हिम्मत होगी तीनों ले जाएगा। नहीं राम सिंह, हम वो तीनों हार डाकू शेर सिंह के कब्जे में नहीं जाने देंगे। जनता को लूटता लूटता ये अब खजाने पर भी हाथ साफ करना चाहता है, और फिर इसमें हमारे बेटे विजय की जिंदगी का भी सवाल है। आओ क्या हुआ? महारानी जी हमारे साथ थी, रास्ते में कुछ सिपाहियों ने हमला किया और उन्हें पकड़कर ले गए। अब क्या होगा? राम सिंह तुम जाकर महारानी जी को देखो, मैं शेर सिंह से निपटता हूँ। घबराइए मत महारानी जी, मैंने आपकी अमानत को कलेजे से लगा के रखा है। कहाँ है मेरा बेटा? कैसा है मेरा जय? अब उनका नाम जय नहीं शेर सिंह है। क्या कहा? मेरा जय डाकू शेर सिंह है? अब वो डाकू नहीं महारानी जी, गरीब के दोस्त हैं। मालवा के भविष्य पर अधिकार करना चाहता है, खजाना जनता की अमानत है। ऐसे बात करते हो जैसे तुम जनता के प्रतिनिधि हो। हाँ, हम मालवा के महाराज धर्मपाल सिंह हैं। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज डाकू शेर सिंह तो कब का मर चुका, अब आपके सामने जो खड़ा है वो गरीब का दोस्त है। तू झूठ बोलकर अपनी जान बचाना चाहता है? तू गरीब का दोस्त नहीं, धरती का बोझ है। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तुम महाराज होकर भी सच और झूठ का फर्क नहीं पहचान सके? कैसे महाराज हो? तुम एक निहत्ते और सच्चे इंसान पर वार कर रहे हो। जब तक मेरी जान में जान है तुम इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर हिम्मत है तो आओ। प्रताप मेरे दोस्त, डाकू बनकर मैंने बहुत पाप किए हैं। गरीब का दोस्त बनकर जो थोड़ा बहुत भला किया है वो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। महाराज चलाइए तलवार। कौन है ये गरीब का दोस्त जिसका प्रसाद तो सबको मिलता है पर दर्शन किसी को नहीं होते? चलाइए ना।
गरीब के दोस्त, हम शर्मिंदा हैं। भले घर पैदा होकर भले काम करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन तुमने तो एक डाकू के घर पैदा होकर कितने महान काम किए, कितना बड़ा दिल पाया। महाराज, आम सदा आम के पेड़ पे ही लगता है। महाराज, महानता और बड़कपन इन्हें हमने माता पिता से मिला है, यही असल में आपके बड़े राजकुमार जय हैं। मैं नंदिनी के मुंह से सुनकर आ रहा हूं महाराज, उसने इन्हें अपना बेटा बनाकर पाला है, इसलिए इस भेद को ये खुद भी नहीं जानते। मुबारक हो। बेटा, तुम कहां चले? विजय बेटे जी, तुम हमारे छोटे राजकुमार विजय हो, क्या सोच रहे हो? नहीं पिताजी, ये मुंह आपको दिखाने के लायक नहीं, इन हाथों को आपके पवित्र चरण छूने का भी अधिकार नहीं, इन हाथों ने अपनी मां को हथकड़ियां पहनाई, इन हाथों ने देर मत कीजिए महाराज, सबसे पहले हमें महारानी जी, शंभू और नंदिनी को कैदखाने से छुड़ाना है। धर्मपाल सिंह, हमें भी बहुत कुछ करना है, इन हारों की मदद से खजाना हासिल करना है, ले चलो इन सबको। तो ये हैं वो तीनों हार जिनमें खजाने का राज छुपा हुआ था। अब आपको खजाना हासिल करने में कोई तकलीफ नहीं होगी महाराज, आप खजाना हासिल कीजिए, मैं इधर धर्मपाल सिंह उसके परिवार का सफाया करता हूँ। शाबाश मान सिंह, हम तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुए। मेरी तरह आपको भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए महाराज। क्या मतलब? आपके पिताजी के साथ मेरा समझौता हुआ था कि खजाना वो लेंगे और मालवा का महाराज मैं बनूंगा, इसलिए आपको अपने पिताजी का वचन निभाना चाहिए। जरूर जरूर, उस वक्त हम बहुत छोटे थे, लेकिन वो बात हमें याद है, तुम्हें मालवा के सिंहासन पर देखकर हमें बहुत खुशी होगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी महाराज, खजाना हासिल करने के बाद मेरे राज तिलक के शुभ अवसर पर आप जरूर पधारिए। बेफिक्र रहमान सिंह, हम तुम्हारा राज तिलक खुद करेंगे। धन्यवाद महाराज। महाराज, आप क्या सचमुच मालवा का सिंहासन मान सिंह के हवाले कर देंगे? क्यों, तुमने हमें बेवकूफ समझा है क्या? तो फिर इसे खत्म क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, जब तक खजाना नहीं मिलता मानसिंह का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये आपने क्या किया, हाथ आए तीनों हार फिर दिलेर जंग को दे दिए। बेवकूफ, जब तक दिलेर जंग खजाना लेकर वापस आएगा हम मालवा के महाराज बन चुके होंगे। अब समझा, खजाना लेकर वो लोहार की चोट। कार खजाने का मार्ग मिल ही गया, चलो। धर्मपाल सिंह, मुझे अफसोस है कि तकदीर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, दिलेर जंग हार लेकर खजाना लेने के लिए गया है और मैं आपको आखिरी प्रणाम करने के लिए आया हूं। परिवार में सबसे बड़े आप हैं, इसलिए सबसे पहले और सबसे आगे आप जाएं। नहीं मानसिंह, पहले मैं जाऊंगी, मुझ पर दया करो, मैं सुहागन जाना चाहती हूँ,
हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस छोटी सी बात के लिए हम अपनी पुरानी महारानी को निराश नहीं कर सकते। सिपाहियों, पहले महारानी। घबराइए नहीं महारानी जी, आपके पति परमेश्वर को आपके पास भेजने में बिल्कुल देर नहीं करूंगा। बकवास बंद कर कमीने, आगे एक लफ्ज भी बोला तो जबान खींच लूंगा मैं। हराम कमीने, इसको हायरे है सर, मत जा। पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। महारानी जी, महारानी जी, तुम महारानी नंदी को यहां से ले जाओ। मालवा के महाराज दिलेर जंग है, तीनों हार प्राप्त करके विधि पूर्वक यहां आए, हम इसके अधिकारी हैं। तुम उन लुटेरों की संतान हो जिनसे बचाने के लिए आज से 200 वर्ष पूर्व मालवा, पुष्पुरी और पंचाल राज के नरेशों ने अपना अपना धन यहां छुपा दिया और धन प्राप्त करने की विधि इस विधि पत्र पर लिखकर उन्हें सौंप दी।
ये विधि पत्र क्या है, दिखाओ हमें। नहीं, ये विधि पत्र उन तीनों राज्यों के वंशजों की अमानत है। अरे बेवकूफ बुड्ढे, इस खजाने तक पहुंचने के लिए हमारे पिताजी ने धर्मपाल से उसका मालवा छीन लिया, हम क्या तुझसे यह विधि पत्र नहीं छीन सकते? हाँ, एक चक्कर धर्म चक्कर, तीनों अधिकारियों के हाथ घुमाए चक्कर एक साथ, अपने आप खुलेगा द्वार, मिले कुबेर धन अपरंपार। ये धर्म चक्कर का क्या चक्कर है, बोल। तुम मेरी जान ले सकते हो, भेद नहीं, भेद न केवल मालवा के महाराज और बेवकूफ, मालवा का राजवंश कब का खत्म हो चुका है? नहीं, मालवा का राजवंश खत्म नहीं हुआ, हम अभी जिंदा हैं। दिलेर कौन हो तुम? हम मालवा के महाराज धर्मपाल सिंह हैं। धर्मपाल? हाँ, और ये हमारे दोनों बेटे हैं, राजकुमार जय और विजय। ओ, तो तुम वहां से बच के आ गए। लेकिन हमारी तलवार से नहीं बचोगे, सिपाहियों टुकड़े टुकड़े कर दो इनके, खत्म कर दो, जाओ। अब बोल, इस धर्म चक्कर का चक्कर क्या है? मैं किसी अनाधिकारी को खजाने का भेद नहीं दूंगा, चाहे तू मेरी जान ले ले। हम इतने बेवकूफ नहीं है जो तेरी जान ले, पहले हम उनकी जान लेंगे जिन्हें तू अधिकारी समझता है। जैसा कहा है कमीने, तेरा आखिरी वक्त आ गया। किसका आखिरी वक्त आ गया है, अभी मालूम हो जाएगा। राज्यों के अधिकारी एक साथ मिलकर इस धर्म चक्र को नहीं घुमाएंगे, यह नहीं घूमेगा, और यह धन पहले की भांति यही सुरक्षित रहेगा। अब तीनों अधिकारी आगे बढ़िए, धर्म चक्र के तीनों बाहुओं को ग्रहण कीजिए, अब घुमाइए। Shut up!